सत श्री अकाल दोस्तों, मैं प्रोफेसर जीएस बत्रा, आपका होस्ट, दोस्त, लाइफ कोच और मेंटोर भी। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रोफेसर जीएस बत्रा, आईटीएसएम, एएसएसएम, इसका गुरु। आप लोगों को प्रॉमिस किया था मैं लाइव आऊंगा, लेकिन कुछ टेक्निकल दिक्कत के कारण लाइव नहीं आ सका, इसलिए अपने इस वीडियो द्वारा आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। लेकिन मैंने कहा था आज मैं जून 20 के एग्जाम के बारे में कुछ बातें करने जा रहा हूँ आपसे, और बहुत सारे तरह की बातें चल रही है। मैं इस समय एक ही बात कहना चाहूंगा आप सब स्टूडेंट से, क्योंकि आप सब लोग स्टूडेंट मई 20 के स्टूडेंट्स थे, आपके एग्जाम मई 20 में हो जाने चाहिए थे। हिसाब से देखा जाए तो आपकी तैयारी अब तक पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन कोविड-19 के कारण आपके एग्जाम 19 जो है वो जून से करना डिसाइड किया इंस्टीट्यूट ने। तो हिसाब से देखा जाए तो अभी तक आपकी तैयारियां पूरी हो जानी चाहिए थी, और मेरे ख्याल से आप सब लोग रिविजन में चले गए होंगे। अब एग्जाम होते हैं नहीं होते हैं, इससे आप पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मेरा आप सब लोगों को सजेशन ये है कि इस रूमर्स पे मत जाएं, कब होगा, कैसे होगा, होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो इंस्टीट्यूट पोस्टपोन कर देंगे, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम है, जिसके पीछे कई सारी बातें हैं, मैं भी अभी क्लैरिफाई करूंगा। आपको अपना मोटिवेशन बनाए रखते हुए अपनी तैयारी करनी चाहिए। एग्जाम दो स्थितियां, एग्जाम अगर हो जाता है तो आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए और आपको एग्जाम में जाना चाहिए, और एग्जाम नहीं होते हैं तो हमारे पास समय मिलेगा और हम क्या करेंगे, डिफरेंट प्रकार के रिविजन्स में चले जाएंगे, और मैं अपने इस चैनल के माध्यम द्वारा और बहुत जल्दी एक मोबाइल ऐप द्वारा आपको बहुत सारी सुविधाएं देने जा रहा हूं। तो एक तो पहले अपने मन में ये बना लीजिए कि हमें कुछ भी जो चल रहा है इस समय यूट्यूब के ऊपर या डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर, उन बातों पर किसी पे भी नहीं जाना है। हमें इंस्टीट्यूट के क्लैरिफिकेशन का वेट करना है, वो जब कहेगी एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं, एग्जाम डेफर हो रहे हैं, या एग्जाम कैंसिल कर रहे हैं, एग्जाम नवंबर में करेंगे, तभी हम बात मानेंगे। हमारे द्वारा कहीं भी कोई बात का आज कोई वेटेज नहीं बनता है। इसलिए पहली बात तो अपनी तैयारियों पे लगे रहें, अपने एग्जामिनेशन के पैटर्न पे जिस तरीके की तैयारी आपको करनी चाहिए आप लगातार करते चले जाएं, क्योंकि आपके पास जो समय मिला है उसका पूरा सदुपयोग करना चाहिए। अगर आज मई 20 होता, कोविड-19 नहीं होता, तो मेरे ख्याल से आज आप सबके एग्जाम पूरे हो चुके होते, ठीक है। ऐसी स्थिति में भी तो आपको तैयारी करनी थी, अब चूंकि वो जून 19 हो गए हैं तो आपको वो समय मिल गया है। जिन लोगों के दो ग्रुप थे और बड़े मुश्किल में थे, अब कैसे तैयारी होगी, उनको भी समय मिल गया है, और आज तारीख है 28 अप्रैल, ठीक है, और आपको अभी भी समय मिल रहा है। 19 जून अगर एग्जाम हो जाते हैं तो तब आपको तैयारी कर लेनी चाहिए, और मेरे चैनल द्वारा आपको कई तरीके की चीजें इस समय मिल रही हैं, आप रिवाइज कर सकते हो, अमेंडमेंट के इंपॉर्टेंस को देख सकते हो, रिविजन में जा सकते हो, और रोज मैं कोशिश कर रहा हूँ एक वीडियो द्वारा आप तक अपनी बात को पहुंचाऊं, और ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में बहुत सारी ऐसी बातें मैं आप तक पहुंचाऊंगा जो आपके कोर्स से रिलेटेड होंगे, चाहे वो न्यू कोर्स हो, ओल्ड कोर्स हो, या एसएसएम, आईटीएसएम, और इवन फाइनल के इसका के बारे में बहुत सारी चीजें करने जा रहा हूँ आपको। तो पहली बात अपना मन बना लो, जब तक इंस्टीट्यूट क्लैरिफाई नहीं करती हमें तैयारी करते रहना है। क्लियर सबको, ठीक है। कहीं कोई जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उस पर नहीं जाना है अपने को, इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट करना है। देखो मन से तो इंस्टीट्यूट भी चाहती है आपके एग्जाम हो जाए, और कोई भी नहीं चाहता इतनी तैयारी के बाद आपके एग्जाम ना हो। क्यों होगा, कैसे होगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट इज द बेस्ट जज वो इस पोजीशन में, तो अपन ये काम उस पर छोड़ दें, वो एक्सपर्ट है इस काम के, तो ज्यादा बेटर होगा हम सबके लिए स्पेकुलेशन लगाने की बजाय, ठीक है। अब बात आती है कि साहब क्यों नहीं हो सकते, हो सकते हैं, तो इसके बारे में कई सारी बातें हो सकती है ना। कल जैसा कि मालूम है आपको 27 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है, कई मुख्यमंत्री कह रहे हैं साहब लॉकडाउन को आगे बढ़ाना चाहिए, स्थितियां ऐसी नहीं है, हम अपने कामों को खराब नहीं कर सकते, इतनी देर में लॉकडाउन रखा है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही हो सकते हैं, लेकिन आने वाला समय, आने वाला कुछ समय, हफ्ता, दो हफ्ता, 13-14-15 दिन का क्या बीतेगा, ये सब उस पर डिपेंड करता है। और जहां तक बात आती है, हमारे को अगर 19 मई तक भी पता चल जाता है क्या होने वाला है, तो 19 जून में एक महीना बचता है, ठीक है, तो इंस्टीट्यूट अपनी तैयारियां कर सकती है। इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं बनता कि इंस्टीट्यूट अपना एग्जाम ना ले। इसलिए मेरी आप सबसे राय है कि अपनी तैयारियां बिल्कुल बनाए रखें। आप तो ये मान के चलें जब तक इंस्टीट्यूट खुद ही आके इसको क्लैरिफाई नहीं करती, एग्जाम नहीं होने जा रहे हैं, किसी स्पेकुलेशन पर नहीं जाएं, आप अपनी तैयारी को जारी रखें, ठीक है। जब इंस्टीट्यूट कहेंगे नहीं होने जा रहे हैं, तब हम मानेंगे इसको नहीं होने जा रहे हैं, और अभी आप अपनी तैयारी को जारी रखें, अपने मोटिवेशन को बनाए रखें, क्योंकि मेरे पास कई सारे मैसेजेस आ रहे हैं, कई सारे फोन कॉल आ रहे हैं, सर बताएं क्या होने जा रहा है। मैं उन सबको कह रहा हूं आप इंतजार करो इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल अनाउंसमेंट का, हमारे कहने से कुछ होने वाला नहीं है, इंस्टीट्यूट उसमें सबसे बेस्ट जज है, वो इसको कैसे कर सकती है। तो मेरा आप सभी से कहना है
डोंट गो बाय द रूमर्स एंड स्पेकुलेशन विच इज गोइंग ऑन द सोशल मीडिया। आपको केवल अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए। आप तो ये मान के चले 19 जून से आपके एग्जाम हो रहे हैं और आपकी तैयारी तब तक पूरी हो जानी चाहिए, और मैं आपको इसमें मदद करने के लिए रोज ही आता रहूंगा, मोटिवेट करूंगा, बहुत सारी जानकारियां दूंगा, एग्जाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए, एग्जाम को पास कैसे करना चाहिए, 40 नंबर कैसे लाने चाहिए, पास कैसे करना है, एग्जामिनेशन कैसे लाना है, रैंक कैसे लानी है, सबकी बात हम करेंगे, ठीक है। और जब इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से क्लैरिफाई कर देगी तब हम डिसाइड करेंगे आगे क्या करना है। सो फॉर टुडे आज मैं बस आपसे इतनी बात करना चाहता था, माफी चाहूंगा मैं आपसे, मैं आपको बहुत देर तक लाइव के लिए कहता रहा लेकिन बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम के साथ लाइव नहीं आ पाया, तो आप इस वीडियो द्वारा मेरी बात को आप समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।